बांदा सफाई कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, 16 महीने से नहीं मिला सफाई कर्मचारियों का मानदेय। 16 महीने से मानदेय न मिलने के कारण सफाई कर्मचारियों के परिवार भुखमरी की कगार में है। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से सफाई कर्मचारियों ने जिलाधिकारी से मानदेय दिलाने की मरकी मांग। 15 दिन में मानदेय न मिलने मिला तो अनशन और आंदोलन के लिए बाध्य होंगे सफाई कर्मचारियों का मामला बांदा जनपद के मटौंद नगर पंचायत का बताया जा रहा है। डीडी पंडा, आज आप लोग किस प्रकार से ज्ञापन देने आए थे? आज हम लोग मटौंद नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी महोदय के ज्ञापन देने आए थे। नगर पंचायत मटौंद में सफाई कर्मचारियों के साथ भीषण समस्या है। इनका 14 से 16 माह का वेतन नहीं दिया गया है। बोनस भत्ते इत्यादि तो देना बाद का विषय है। जब वेतन ही नहीं दे पा रहे हैं तो अन्य दे कहाँ से देंगे। ईपीएफ में भी धांधली, ईपीएफ का भी पैसा नहीं बताया जा रहा है। तमाम तरह की धांधली है। वेतन जबरन नहीं दिया जा रहा। चेयरमैन की इतनी ज़्यादा वहाँ हेडस है, चूँकि वो सत्ता पक्ष का है तो इनको धमकियाँ ऊपर से देता है। तो इस तरह की तमाम समस्याओं को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी समस्याओं का, हमारे कर्मचारियों की समस्याओं का जो है निराकरण कराया जाए। यदि नहीं होता है तो 15 दिन बाद हमारे मंडल अध्यक्ष ने घोषणा ही कर दी है कि हम अशोक लाट पर धरना प्रदर्शन या अनशन, जो भी इसीलिए आदि की लड़ाई संभव होगी वो हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। आपका? मेरा नाम अंकित अम्बेडकर है, मैं उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ से जिला अध्यक्ष हूँ। आज आप लोग कलेक्ट्रेट पत्र पर आज ज्ञापन देने आए थे जी, किस लिए ज्ञापन देने आए थे? हमारी जो समस्या है, जो हम ज्ञापन देने आए थे, नगर पंचायत मटौंद की समस्या है। उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ द्वारा हम जिलाधिकारी महोदय को अपनी समस्याओं का ज्ञापन देने आए थे, जिसमें कि हमें 14 माह और 16 माह से आउटसोर्सिंग स्थायी और संविदा कर्मचारियों का जो वेतन भुगतान अभी तक नहीं किया गया, और जो कि पूरे सफाई कर्मचारी भुखमरी की तादाद पर आ चुके हैं। 18 अप्रैल 2022 को हमने आश्रीमान आयुक्त महोदय को, चित्रकूट धाम मंडल जी को, हमने 18 सूत्री मांग पत्र दिया था, जो कि 1 माह पूर्ण हो चुके हैं। फिर भी 1 माह पूर्ण होने के बाद भी हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा है। बेचारे कर्मचारी मटौन से आते हैं अपना खर्चा किराया लगा के और यहां तक अपना भाग दौड़ करते हैं। 1 महीने के ऊपर हो गए लेकिन किसी प्रकार कोई समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ। हम पुनः आज श्रीमान आयुक्त महोदय जी के पास गए थे, जो कि उन्होंने हमें दोबारा जिलाधिकारी महोदय जी के पास भेज दिया। इसी तरह हम यहाँ वहाँ कर रहे हैं, जो कि हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा है। तो हम आप सभी से चाहते हैं और आप सभी से आशा करते हैं कि आप सब हमारी मांगों को ऊपर तक पहुँचाएंगे और इनकी समस्याओं का निस्तारण हो सकेगा।